नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, मोदी जी और धड़ल्ले से और खुले आम सीना तान कर कांग्रेस के लिए मुश्किलों को खड़ा कर रहे हैं और इस मुश्किलों को खड़ी करने की प्रक्रिया में साथ दे रहे हैं पूरा उनका तंत्र। पूरा तंत्र यानी कि इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज, जो कि अभी फ्रेश जो खबर आ रही है कि इनकम टैक्स ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी को कि उनको, और जो साल जो मूल्यांकन वर्ष है वो 2017, 18 और 20, 21 को लेकर है, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से टैक्स टेररिज्म में इंडल्ज कर रही है बीजेपी, यानी कि जो टैक्स आतंकवाद में एक तरीके से बीजेपी इस समय इंडल्ज कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वायलेशंस, जो उल्लंघन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, तो उससे 3 गुना ज्यादा उल्लंघन बीजेपी ने किए हैं, और अगर उन्हीं पैमानों को अगर बीजेपी पे अप्लाई किया जाए तो बीजेपी को लगभग 4200 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को देने पड़ेंगे। लेकिन इनकम टैक्स बीजेपी से कुछ भी नहीं पूछताछ कर रहा है, बल्कि बीजेपी 14 लाख रुपए के पीछे कांग्रेस के पड़ा हुआ है। और ये आयकर विभाग का नोटिस कांग्रेस को इस समय दिया गया है जब कांग्रेस के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। सारे अकाउंट से पैसे ना कांग्रेस निकाल सकती है, ना किसी को पेमेंट दे सकती है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अभी जो हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो लोगों को उनकी सैलरीज दे सके, चुनाव का प्रचार कैसे होगा ये भी पता नहीं है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक लोकतंत्र में क्या होता है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं है और धड़ल्ले से जो पूरा तंत्र है वो साथ दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने, आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कि टैक्स रीअसेसमेंट की बात की गई थी, इवैल्यूएशन की बात की गई थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। उसके बाद अब आयकर विभाग से कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया गया है। अब इस पे क्या लॉजिक है, किस तरीके से 1800 करोड़ रुपए का नोटिस आयकर विभाग सर्व कर देता है, क्या ये एक सीधा साधा संकेत है कि कांग्रेस को चाहती ही नहीं है बीजेपी की चुनाव लड़ना और इस बुरी तरह से कांग्रेस को अपंग बना दिया जाए कि कांग्रेस उठी ना पाए, क्या ये सबसे बड़ा सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। संजय कुमार सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पुष्पराज देश पांडे जो कि डायरेक्टर हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन के, पुष्पराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में गिरीश जोशी से शुरू करती हूँ। गिरीश जी, जो ये इनकम टैक्स का नोटिस 1800 करोड़ रुपए का आयकर विभाग से कांग्रेस को दिया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और जो बात अभी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि बीजेपी को तो 4200 करोड़ उस पैरामीटर के हिसाब से देना चाहिए, तो आयकर विभाग बीजेपी के वायलेशंस पर चुप है और कांग्रेस पर लगातार अत्याचार बीजेपी करती जा रही है। जी गिरीश जी। नीलू जी, बीजेपी का एक ही रूल है कि डोंट फॉलो एनी रूल, ये उसी हिसाब से चलते हैं। आप देखिए, जो भी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स एक्ट जानता है, दिस नोटिस इटसेल्फ इज बैड इन लॉ। 148 में इन्होंने 22 में डेलिबरेटली एक अमेंडमेंट किया था 148A लगाकर कि पहले 8 साल से बाद में आपको रिकॉर्ड ही नहीं रखने, ये एक बेसिक रूल था। फिर इन्होंने बताया कि 3 साल तक आप कॉल बैक कर सकते हो। आप देखिए, पहले जो सीताराम केसरी के वक्त की जो नोटिस दी गई थी उसको इन्होंने सेपरेट रखी थी। ये पूरा मिस्चीवियस प्लान आप देखिए इनका। फिर इन्होंने इसको 148A का अमेंड करके 10 साल तक खींचा था, इसलिए इन्होंने 93 अपना ये 21 का उठाया। अब इसमें आप लीगली देखने जाओ तो ये प्रॉपर नोटिस भी नहीं है, क्योंकि उसमें इट इज वेरी क्लियर कि आपको प्रॉपर नोटिस देनी है, व्हाई योर असेसमेंट इज रॉन्ग, आपने उसके खिलाफ क्या और ढूंढा या प्रूफ कि आपने इवेड किया है टैक्स, वो कुछ भी नहीं है। और आप डिमांड नोटिस डायरेक्टली तो इश्यू ही नहीं कर सकते, दैट इज बैड इन एनी लॉ। एवरीबडी हैज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आपकी गलती कहां पर है। तो ये इनका असेसमेंट ये था कि पहले इन्होंने अकाउंट फ्रीज करा, अब इन्होंने 1700 करोड़ की नोटिस दी। अगर 20% अपील में जाने के लिए भी वो 300 करोड़ का उनके पास बंदोबस्त नहीं होगा तो दैट परमिट्स द ऑफिसर टू अरेस्ट द डायरेक्टर्स। तो इनका ये डिजाइन जो है वो डेंजरस है। लेकिन वंस दे गो टू द कोर्ट,
वो शायद दिल्ली हाई कोर्ट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट को अगर जाएंगे तो अगर नोटिस ही बैड इन लॉ है तो दैट कैन बी स्टेड। और मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस अभी थोड़ा बहुत इसका माइलेज और ये अच्छा भी है ले भी लेना चाहिए, लेकिन इनका डिजाइन जो इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। नीलू गिरीश जी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन को मैं ध्यान से सुन रही थी और उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर उन्हीं पैरामीटर्स को बीजेपी पर अप्लाई किया जाएगा तो बीजेपी को तो कायदे से 4600 करोड़ रुपए टैक्स में देने चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स बीजेपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। वही पैरामीटर्स जो कांग्रेस पे लगाए गए हैं उन्हीं पैरामीटर्स को अगर बीजेपी पे लगाया जाए तो 4600 करोड़ रुपए का कैलकुलेशन अजय माकन ने करके बताया है, तो फिर क्या कहेंगे? क्या गलत अजय माकन कह रहे हैं कि ये भाई टैक्स टेररिज्म नहीं है तो और क्या है? तो मैंने वही बताया जी, दे आर बायस इन लॉ। आप देख लीजिए उनको, दे डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल्स। ये यहाँ नहीं, हमने गुजरात में भी स्टार्टिंग में देखा हुआ था कि रूल बुक इज ऑलवेज असाइड। अभी इलेक्शन कमीशन ने कितनी नोटिस दी जब उनके वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, तो कितनी नोटिस इश्यू करी। जैसे ऑपोजिशन का एक भी फॉल्ट होता है तो उसी टाइम इश्यू हो जाती है, और अगर जहां पे मजबूरी हो जाती है भाजपा को नोटिस इश्यू करना, वहां पर इक्विवेलेंट सामने अपोजिशन वाले को भी नोटिस पैरेलल इश्यू हो जाती है। तो मशीनरी तो काम ढंग से नहीं कर रही है, वो पूरा हिंदुस्तान अभी तो जानता है। नाउ दे आर इन ओपन। आप केजरीवाल जी का केस देखिए कि नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, और कोर्ट भी क्यों चंद्रचूड़ साहब की नोटिस के बाद भी कि भाई ऑल द जजेस हैव टू वर्क डिलीवर द जजमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल बुक्स, कहां कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर लोगे? Where are you ultimately going to fight? So everything is going to rest in Supreme Court. तो अब इनको यही है कि उनको किसी भी तरह engage रखो, और उसके पहले अगर ये court में नहीं गए और appeal में नहीं गए तो मेरे को नहीं लगता है that you might suddenly hear news कि भाई सोनिया गांधी को, इनको जो भी trustees हैं उनको उठा के इन्होंने अंदर बंद कर दिया। That is possible. That is what they want. एक तो bond से divert करने के लिए इनको overtime काम करना पड़ रहा है। केजरीवाल देखिए वन बाय वन पीछे आ रहा है, किसी को जेल में मर गया अब 4-5 दिन ये भी चलेगा। तो ये दीज आर द टैक्टिक्स टू डाइवर्ट, वो डाइवर्जन का टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज बैड इन लॉ एंड इट वोंट स्टैंड। लेकिन परेशान करने के लिए इनके पास काफी हथियार है जो वो बारी बारी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, जो प्राइमा फेसी जो चीज लग रही है, जो अभी गिरीश जी ने भी कहा कि इट्स अ बैड जो नोटिस है इट्स बैड इन लॉ, क्या ये चीज हाईकोर्ट को नजर नहीं आ रही थी? क्या कहेंगे अदालत का जो रुख है? अभी कल जो टैक्स रीअसेसमेंट को लेकर जो याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई, विवेक तनखा ने भी इसके ऊपर बोला, लेकिन अदालत को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है कि भाई एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसके अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है, फिर उसके बाद उसको इस तरीके का नोटिस दिया जाता है, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी क्या कोर्ट को नजर नहीं आ रही है? कोर्ट इसमें क्यों नहीं दखलंदाजी कर पा रहा है? नियम तो यही है कि कोर्ट के खिलाफ हम लोग बोल नहीं सकते, बोलना नहीं चाहिए, तो और कोर्ट के खिलाफ हम लोग बोलेंगे तो हम लोग भी पार्टी बन जाएंगे, तो इसलिए कोर्ट को जो मर्जी से वो कर सकता है। लेकिन ये देखना तो किसी का तो काम होगा, और मैंने जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या देखे, और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि अकेला पड़ गया है। आज ही खबर है कि मणिपुर की एक लड़की दिल्ली के फ्लैट में मर गई थी 2013 में, और उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो फैसला 11 साल बाद हुआ है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कितने फैसले कितने टाइम से और कितने लेट से किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो बैकलॉग दुनिया भर का पड़ा हुआ है। और अगर लोअर कोर्ट से किसी को इंसाफ मिल जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, हाई कोर्ट, उसके लोअर कोर्ट से नहीं मिला तो हाई कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट से मिल जाएगा तो भी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं से जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट में बाई चांस अभी तक मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं, और कल को सुप्रीम कोर्ट इतना बिजी हो जाएगा कि वो देना भी चाहे तो जस्टिस दे नहीं पाएगा। तो यही सब करने की कोशिश हो रही है, और कुल मिला के पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया गया है, अपने लोगों को, जजेस को प्राइस देकर, जजेस को प्राइस पोस्टिंग देकर के। और हम देख रहे हैं कि अपना इंडिया में मिडिल क्लास अपने आगे कुछ सोचता ही नहीं है। जिसको पेंशन मिलती है वो सोच रहा है कि रिटायरमेंट के आगे हमको क्या मिलेगा, और जिसको नौकरी नहीं है उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तो जब सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे तो यही हो गया है कि बीजेपी को का तो क्लियर है कि उसको तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम एक डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है उसको चलाएंगे और उसके अनुसार हम इनको हराएंगे। तो राहुल गांधी की तो वो एटीट्यूड है, और इनका एटीट्यूड है कि हम किसी भी तरह दूसरे को इलेक्शन में आने ही नहीं देंगे, जीतने ही नहीं देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद भी अगर बीजेपी हार जाती है, मैंने पहले तो लग हारेगी कैसे, और अगर हार जाती है
तो वो क्या करेगी और क्यों उसको हारना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर है। तो लेकिन अगर पब्लिक समझेगी नहीं, और क्योंकि मीडिया का वैसे ही सपोर्ट है, मीडिया भी सारी बातें नहीं बताती है। अब जैसे कल 600 लोगों ने, 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी, और जाहिर है वो चीफ जस्टिस को दबाव में लेने के लिए है, अदरवाइज चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे याद है कि हवाला का जब केस चल रहा था, वो जैन हवाला वाला, जिसमें 115 लोगों का नाम था, तो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, किसी पे कंटेम्प्ट का केस नहीं किया। वो 115 के 15 बरी हो गए, उसमें अपने ये भी थे, वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम था, जिन्होंने बाद में क्लेम किया कि वो केस खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, वो केस की इंक्वायरी ही नहीं हुई। तो ये तो हाल है, और ये 20 साल से, मैंने 20 साल क्या 50 साल से चल रहा है। तो इसको ठीक किया जाना चाहिए था। बीजेपी बहुत बड़े बड़े दावे करके आई थी कि हम ये सब ठीक करेंगे, उसने ठीक करने की बजाय और खराब किया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड इंक्लूडेड। तो इसमें बीजेपी जो कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है, और उसको किसका सपोर्ट है ये भी दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हमें मुफ्त के राशन से काम नहीं चलेगा, और सरकार क्या कर रही है। अगर पब्लिक समझेगी तो ठीक है, नहीं तो मिडिल क्लास अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, उसने सारी व्यवस्था अपने फायदे के लिए कर रखी है, वही चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी को ये भरोसा है कि वो इसी से जीतेंगे, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो ये गलत है, लेकिन अब यही हो रहा है, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। नीलू जी, अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ। पुष्पराज, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ये 1800 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस जो कांग्रेस को दिया गया है, क्या ये नोटिस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं? नीलू जी, आपको और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कई लोग कह रहे हैं कि अगर सचमुच भाजपा अपने खुद के दम पे, बल पे अगर वो कॉन्फिडेंट होती, तो ना तो ये अलग अलग पार्टियों से नेताओं को तोड़ती, ना ये नोटिसेस और अकाउंट्स पेश करने का काम करती। ये मुझे लग रहा है कि भाजपा की निराशा उनकी बौखलाहट दर्शा रही है, क्योंकि अगर सचमुच में उन्होंने पिछले 10 साल में लोकहित और देश हित में कुछ काम किया होता, और उनको अगर हर पार्टी सेंटिमेंट एनालिसिस करती है, सर्वेज करती है, और अगर उनके सर्वेज 10 साल के इतने प्रचार के बाद, प्रचार प्रसार के बाद अगर उनको लग रहा है कि उनको ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए उनको डिसेंड करना पड़ रहा है, तो जाहिर से बात है कि कुछ तो गड़बड़ है उनके पूरे सिस्टम में, वरना तो ये सब नहीं करते। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरी जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को क्या ये चीजें नहीं दिख रही है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद आज कोई ये सवाल खड़ा करेगा कि आखिर इनकम टैक्स को किसने दिया है इजाजत कि वो इस तरीके से नोटिस दे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है? आज इस पर भी तो सवाल खड़े करना चाहिए कि चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? आखिर किसने अनुमति दी मोदी सरकार को आज इस तरीके की इनकम टैक्स नोटिस देने की कांग्रेस को इस समय? नील जी, बात वही है जो सामने गई कि करेगा कौन, एक्शन कौन लेगा। आज आप देखिए, सबसे बड़ा वायोलेशन ये कि कल इन्होंने 7% to 10% मनरेगा के रेट्स बढ़ा दिए। दिस इज क्लियर वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन कौन पूछेगा? 19 में भी यही हुआ था, तब इलेक्शन कमिश्नर ने ये इश्यू किया था ऑर्डर कि इसको आप प्रोपोगेट नहीं करोगे, आप पेपर में कहीं नहीं दोगे, आपके कहीं पर भी लेक्चर में आप नहीं बताओगे। इस वक्त वो फिलर्स हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि भाजपा रूलिंग पार्टी जो भी करेगी उसमें सीसी को कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे तो काफी कुछ वायोलेशन हो रहा है। आज भी गुजरात में अगर आप अहमदाबाद में घूम रहे हो तो 15 जगह पे मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, सारे प्रोपोगंडा के। कौन कर रहा है एक्शन? हु विल टेक द एक्शन? लेकिन दिक्कत वही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक लीगल वर्जन, जैसे बोला कि सुप्रीम कोर्ट में ही सब जाके जब लैंड होगा तो इट विल बी अ केओस। सुप्रीम कोर्ट भी कहां तक पहुंचती रहेगी? तो ये होगा। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा दूर एक बता दूं कि एक जजिस प्रोटेक्शन एक्ट जो ब्रिटिश बना के गई थी वो अभी तक चल रहा है। व्हेन जजेस आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ जजमेंट। आप देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक सोसाइटी मॉरल होता है, वो इतना नहीं करेंगे। लेकिन डिवीजन बेंच के, जेएमसी के जो जजेस हैं, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। वो राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे सकते हैं जो लीगली नहीं थी, तो दे कैन डू। अगर ये जुडिशियल सिस्टम में आंसरेबल नहीं होंगे, ये जजिस प्रोटेक्शन एक्ट जो किया गया था ब्रिटिशों के लिए, क्योंकि वो इंडियंस को सजा करते थे,
उसमें पहले सिर्फ पहले सिविल था, अब वो क्रिमिनल भी उसमें उन्होंने डाल दिया है। तो द लोअर कोर्ट जजेस आर नॉट आंसरेबल टू एनी बडी, आप ज्यादा ज्यादा उनकी ट्रांसफर कर सकते हो, स्ट्रिक्चर पास कर सकते हो। तो ये इसमें सिस्टम पूरा ही रिवैम्प करने की जरूरत है। काफी सब गवर्नमेंट्स ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ लूपहोल्स लॉ में रखे थे, अब वो सब एक दूसरे को भारी पड़ रहे हैं। आप देखिए हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, अगर और कोई गवर्नमेंट आ गई तो यही सारे कानून इनके खिलाफ भी होंगे, देन दे विल हैव नो से। तो या तो पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट आप अलग कर दो। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो पुष्पराज से मैं पूछना चाह रही थी कि बार बार ये कहा जाता है कि ये जो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन नहीं लागू होने के बावजूद अगर इस तरीके की नोटिस कांग्रेस को दी जा रही है तो आखिर सवाल तो खड़े करने पड़ेंगे ना कि कांग्रेस को क्यों दिया जा रहा है, किस इंटेंशन से कांग्रेस को आज 1800 करोड़ का नोटिस दिया है। जी पुष्पराज जी, नीलू जी, पहले तो इस मुद्दे को आप एक संरचनात्मक रूप से देखिए। एक परिपक्व लोकतंत्र में कुछ संवैधानिक और संस्थागत नियमों का बरकरार होना जरूरी है, तभी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया, बिजनेस और विपक्षी दल स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी ज्यादा तौर पर सरकार पर होती है। लेकिन जब सरकार संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों का उल्लंघन करती है तो ये सारी जो क्षेत्र है, ये सारे जो सेक्टर्स है इंक्लूडिंग विपक्षी दल, ना तो स्वतंत्रता रह सकते हैं ना ही उनको बराबर के अवसर मिलते हैं। मूल रूप से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचता, आज वही हो रहा है। अब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी जो बात क्वेश्चन प्रश्न था उसके पहले मैं आपको, आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। सत्ता की लालच में पिछले 10 सालों में भाजपा ने दलों को तोड़ा है, राजनीतिक दलों को तोड़ा है, राज्य सरकारों को गिराया है, ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट को भाड़े के गुंडों की तरह खुली छूट दे रखी है, सांसदों को सस्पेंड किया है और फर्जी केसेस से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है। अब भाजपा ने लोकतंत्र के जो मूल्य नियम है उनका उल्लंघन तो किया ही है, लेकिन निर्वाचित इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की नींव रख दी है। आज जो कांग्रेस के साथ हो रहा है उसको आप समझिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसमें जो सेक्शन 13A है उसके अनुसार देश में कोई भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल डोनेशंस ले सकती है और वो 100% टैक्स एग्जम्प्ट है, यानी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। बस एक ही नियम को राजनीतिक दलों ने फॉलो करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में उसको दोहराया गया है, सेक्शन 29B या C, एग्जैक्टली वो याद नहीं है, 29C के तहत कि सारे डोनेशन का कंप्लीट चिट्ठा उन्होंने चुनाव आयोग को सबमिट करना है, बस इतनी ही उनकी जिम्मेदारी है। अब जब राजनीतिक दलों को आयकर चुकाने से कानूनी छूट मिली है तो इनकम टैक्स वायोलेशन का सवाल ही बेबुनियाद और अनिवार्य है। यह अलग बात है होती कि अगर भाजपा ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया होता, अमेंडमेंट लाया होता और सारे राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया होता। ऐसा तो अभी तक किया नहीं है भाजपा सरकार ने। तो जो इनकम टैक्स केस कांग्रेस पे थोपा जा रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, इनकम टैक्स का हिसाब प्रति साल होता है, आप सब जानते हैं, आपके सारे दर्शक इनकम टैक्स भरते हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से भरते होंगे या किसी संस्था के रूप से या व्यवसाय के रूप से। आप खुद ही सोचो, आज 2024 में क्या आपको 2020 का इनकम टैक्स वायलेशन का नोटिस मिल सकता है, या 2010 का या 2000 का? ये बेसिकली असंभव है क्योंकि ईयर टू ईयर होता है कैलकुलेशन। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 1994 का इनकम टैक्स वायलेशन का नोटिस मिला है और वो भी 14 लाख का। अब ये कहा जा रहा है कि ये 14 लाख में आपको 14 लाख कैश में मिले थे इसीलिए आप पे 54 करोड़ का जुर्माना लागू होगा। ठीक है, उसी लॉजिक से जैसे अजय माकन आज बोल रहे थे, उसी लॉजिक से भाजपा को 2017 में 43 करोड़ कैश में मिले थे 1297 लोगों से। अब वही लॉजिक आप वहां अप्लाई कीजिए, अगर आपको 14 लाख कैश में 1994 में मिल रहा था उसके ऊपर आपने ये इनकम टैक्स का वायलेशन किया, मतलब वो केस हो पाया 135 करोड़ का, वही लॉजिक से ये जो 43 करोड़ भाजपा को मिले थे 2017 में उसके हिसाब से उनको 4600 करोड़ भरना चाहिए। या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब पे बराबरी के नियम लागू करे। अभी ये हो रहा है कि कांग्रेस के खाते साफ, भाजपा के गुना माफ। और तीसरी बात, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है, 10 सालों से, और 1994 से 2004 तक 30 साल हुए हैं, भाजपा की सरकार 15 सालों से है केंद्र में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके निगरानी में है, चुनाव आयोग भी पिछले 10 सालों में जैसे तैसे काम कर ही रही है, कोई वायलेशन इनको तब तो नहीं सूझा।
आज अचानक 2024 में चुनाव के बस एक महीने पहले आपको अचानक इनकम टैक्स वायलेशन मिल रहा है 1994 से, 2016 से, 2017 से, 2018 से, 2019 से, तो क्या इन सारे साल मतलब भाजपा सरकार आईटी डिपार्टमेंट सो रही थी? देखिए यहां से दाल ही काली नहीं है बल्कि पूरा बर्तन, शक्ल, नियत सब कुछ काली है भाजपा की। कांग्रेस भाजपा पर भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाई, तो अब जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की एक षड्यंत्र चलाई जा रही है। ये उनका सर्वोच्चम ऑपरेशन लोटस है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस को जो हो रहा है इट डिजर्व्स, आई मीन इट्स गॉट व्हाट इट डिजर्व्स। आप कांग्रेस से मतलब आप जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मतलब अच्छा हुआ सबक सीख रहे कांग्रेस पार्टी, देखिए आप लोग कांग्रेस पार्टी से, उनके नेताओं से, उनकी नीतियों से बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, यह आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अक्षम बना के, विपक्षी दलों को हथकड़िया लगा के ऐसे अलोकतांत्रिक नीतियों से भाजपा जीत नहीं रही है। भाजपा आपके पसंद के प्रतिनिधि चुनने का हक आपसे छीन रही है, आपके अधिकार आपसे छीन रही है। और इतिहास गवाह है कि तीन सरकारों ने ये काम किया है, नाजी जर्मनी, स्टालिनिस्ट रशिया और ब्रिटिश राज, इन तीनों ने वही किया है जो भाजपा आज कर रही है, उनका टूल किट वो लोग आज अप्लाई कर रही है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, लेकिन जो मूर्खतापूर्ण हरकतें, संजय जी मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा, कि भाई आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 94-95 का जो साल का जो टैक्स रिटर्न है, अगर उसका आप ये सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि अब उसका टैक्स रिटर्न कांग्रेस भरे, तो आज क्या अपनी जगहसाई करने पे तुला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के दबाव में? क्योंकि वो मोदी जी ने कहा है कि भाई ये करना है, कांग्रेस को तंग करना है, तो भले ही कितना भी मूर्ख अपने आप को बनाए, अपने ऊपर हंसी कराकर, फिर भी आज इनकम टैक्स इस चीज को कर रहा है। आखिर अपने गिरेबान में ये एनफोर्समेंट एजेंसी, जो कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, वो कैसे देखेंगी? आज वो भी तो कहीं ना कहीं आंसरेबल होंगी। आज लोग उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि क्या अक्यूमन है इनका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के पास स्किल खत्म हो गया है, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, उनका विजडम खत्म हो गया है, किस तरीके की हरकतें सरकार के निर्देशन में ये लोग कर रहे हैं, आज इसकी जवाबदेही इनकम टैक्स की कैसे होगी? और उसी तरह से ईडी की भी, आज इन एजेंसीज की जांच कौन करेगा? सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जांच तो जो अधिकारी कर रहे हैं उनके बच्चे उनके घर में करेंगे, उनका परिवार करेगा, उनके फ्यूचर जनरेशन करेंगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन नुकसान हो गया रहेगा। बेसिक बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी वसूली जायज मान लीजिए, मैंने पुष्पराज जी ने बता दिया कि वो कैसे इलीगल है, होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हो तो सबसे हो, उसके बाद मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि कांग्रेस से वसूलना ही है, बिल्कुल जायज है, तो टाइमिंग आप उसको टाइम दे दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए कि आपको अगले 5 साल में 1800 करोड़ रुपए देने हैं, और नहीं दे पाओगे तो आप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बात खत्म हो गई, देगा नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, यही तो चाहते हैं आप, तो टाइम तो देंगे। अभी आप इलेक्शन के समय किसी पार्टी को फाइनेंशियली क्रिपल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? अगर देश के लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका टाइम दे दीजिए, और वो पैसा तो कहीं जा नहीं रहा, पेनाल्टी का पैसा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई टैक्स ड्यू जो है वो भी सरकार जबरदस्ती लेती है। माने अगर गुंडा वसूलता है तो उसको कहा जाता है कि गुंडागर्दी है, सरकार जबरदस्ती गुंडागर्दी ही करती है, लेकिन ठीक है, देश को चलाने के लिए वो टैक्स जरूरी है, तो वो ड्यू टैक्स नहीं है और चोरी भी नहीं है। आपने पेनल्टी लगाया, पेनल्टी प्रेरोगेटिव है कि आप किस पे कितना पेनल्टी लगाएंगे। चलिए आपने, मैं मान लेता हूं कि सब ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा है, वो सब अपनी जगह, लेकिन सब ठीक है, सब मैं मान लेता हूं, फिर भी आप एक नोटिस दे दीजिए कि आप पे ये टैक्स बनता है और आपको ये देना है, अगले 5 साल में आप नहीं दोगे तो आप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, बीच में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देंगे, और नहीं तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमें भी पता रहेगा, वोटर को भी पता रहेगा, कांग्रेस को भी पता रहेगा। लेकिन आप आज दो, आज नोटिस निकाला, आज दो नहीं तो हम अकाउंट फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज कर देंगे और अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, ये तो गुंडागर्दी है, सिस्टम नहीं हो सकता, ये तो सरकार माने जिसकी लाठी है उसकी भैंस वैसा है। लेकिन बीजेपी कर क्यों रही है? दो कारण है, एक कारण तो ये है कि उनको किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, सो दैट कि जो उन्होंने किया वो उनपे कल से शुरू ना हो जाए। भाई जो उन्होंने 10 साल किए हैं उसमें से 1-2 भी अगर होगा तो बहुत होगा, और क्यों नहीं होगा, तो इसलिए उनको किसी भी तरह से जीतना है। और दूसरा, उनको ये लगता है कि हम इस तरह से डिवाइड एंड रूल करके जीत सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, और अगर हम पार में रहेंगे तो चंदा दो धंधा लो का सिस्टम हम चलाएंगे, तो जिसको फायदा होगा लेगा, गरीब आदमी चंदा दो धंधा दो में यकीन नहीं करता है, तो वो तो अपना
मुफ्त की थाली लेके खुश है, और जो चंदा लो धंधा लो में यकीन करता है वो चंदा लो धंधा देगा, और जिसको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट चाहिए उसको भी बीजेपी देती, कांग्रेस देती क्या है, कांग्रेस देगी क्या, कांग्रेस ने पहले भी क्या दिया है। तो इसलिए बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी, दे आर प्रूविंग इट। अब जिनको ये पसंद आएगा वो ले लेंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा वो नहीं लेंगे। बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती ये है कि इसको पसंद करने वाले ज्यादा लोग हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसलिए उनको डर नहीं है और पूरी तरह बेशर्मी पे आए। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस चिट्ठी को जब कल रीट्वीट कर दिया तो बाकी कुछ बचता नहीं है, अब कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल मैं वोटर्स पे भरोसा कर रहा हूँ, अगर उनकी समझदारी ठीक होगी, जाग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग झेलने के लिए मजबूर है। लेकिन हाँ, पुष्पराज बीच में हाथ उठा रहे थे, लेकिन आज पुष्पराज इसी चीज को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें लोगों ने कहा कि अब कांग्रेस को यूएन को अप्रोच करना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है, कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं। इट्स अ वाइल्ड स्टेटमेंट टू मेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि चुनाव सिर पर है, चुनाव में अगर कांग्रेस शिरकत नहीं कर पाती जिस स्केल पर उसने सोचा था तो ये तो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ ना। लेकिन अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचा है, आपके साथ एजेंसीज नहीं है, आपके साथ कोर्ट्स नहीं है जो कि आपके फेवर में बहुत ज्यादा निर्णय आता हुआ आपके केस में दिख रहा है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, चुनाव बीत चुका होगा, हो सकता है कांग्रेस चुनाव ठीक से लड़ ही ना पाए, ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस, के लिए क्या ये एक बहुत बड़ा संकट नहीं आ गया? जी पुष्पा, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा नीलू जी, उससे पहले मैं आपको एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। अगर आपको, अगर आपका पैन कार्ड पुराना हो गया, आधार कार्ड पुराना हो गया और आपने कहीं जाके जब उसको अगर दिखाया तो आपको जो सरकारी अफसर है वो क्या कहेगा कि आप नया कार्ड बना के लाओ? उसके अलावा तो और कुछ नहीं कहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो बोलेगा 500 रुपए दंड, दैट्स ऑल राइट। उससे ऐसा तो नहीं किया। अभी अभी मुझे डी राजा के वहां से मैसेज आया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 11 करोड़ का उनको अभी नोटिस छपा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल किया। ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है, मतलब आप समझो, ये सिर्फ आप समझे, यू नो, आपके दर्शक जो यहाँ बैठे, मतलब जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनको लग रहा होगा कि 11 करोड़ और अभी जो पुष्पराज के हवाले से खबर लग रही है कि लेफ्ट पार्टी को 1100 करोड़ का नोटिस दिया गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल किया था। हाँ पुष्पराज बोली बोली, उसके बाद फिर मैं गिरीश जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, सिर्फ सारे लेफ्ट पार्टी को नहीं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को। देखिए, आपके दर्शकों को लग रहा होगा कि ये सब जो बातें हो रही है उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती, कि ये सिर्फ एक उच्च और एब्स्ट्रैक्ट मूल्यों की बात है, यू नो, किसी संस्था राजनीतिक दल पे लागू है, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, हमारी जिंदगी चल रही है, दाल रोटी यू नो मिल रही है वगैरह। लेकिन ये जो भाजपा ने प्रीसिडेंट एस्टैब्लिश कर दिया है इन सारे केसेस में, वो आप जरा गौर से समझिए। आमतौर पे इनकम टैक्स प्रति साल कैलकुलेट होता है और इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर के बाद कैलकुलेट किया जाता है, तो कांग्रेस ने जितना खर्च किया उसके बाद जो 2-2.5 करोड़ बचे थे, अगर इनकम टैक्स लागू करनी ही थी, हालांकि राजनीतिक दल इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, आज मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट के तहत, लेकिन अगर लागू करना ही था तो एक्सपेंडिचर के बाद जो बचा 2-2.5 करोड़ उस पे लगता, लेकिन भाजपा ने पूरे रकम पे 135 करोड़ जब्त कर दिए, और वो भी डायरेक्टली बैंक से, वो भी कांग्रेस पार्टी को ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने बस जाके बैंक से ले लिया, और वो भी एक 31 साल पुराने केस को लेकर। अब आप समझिए, ये 3 प्रेसिडेंट जो है कि डायरेक्टली बैंक में जाके आपका आपकी आय जब्त कर देना, 31 साल पुराने केस को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और एक्सपेंडिचर के बाद जो रकम बचती है उस पे नहीं, पूरे रकम को उन्होंने माना है। अगर ये 3 प्रेसिडेंट्स लागू हो सकते हैं आपकी लाइफ पे, आप समझो क्या होता है, कल को अगर कोई भाजपा का विधायक या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर भी उसका मूड बदल गया कि आदमी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये मेरे को वोट नहीं दिया है, तो आपके ऊपर 10, 20 या 30 साल पुराने आईटी केसेस निकाल के थोप सकते हैं, या अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती होगी फाइलिंग में, जो होती है, भले ही आप ना करो, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे होंगे, गलती शायद हो जाती है कभी कभी, पूरी की पूरी आय और इनकम टैक्स के दायरे में आपको भरनी पड़ेगी। अब आप समझिए, ये सारी जो बातें हो रही है आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, ये सिर्फ एक राजनीतिक दल पर नहीं सीमित रहती है। और आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए,
देखिए 1942 में यही सिचुएशन कांग्रेस पार्टी के सामने ही थी, तभी भी ब्रिटिश सरकार ने सारे जो प्रशासनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ थे। उन्होंने रेडियो बंद करवा दिए, उन्होंने प्रचार करने के माध्यम बंद करवा दिए, न्यूज़पेपर सेंसरशिप लागू कर दी, उन्होंने चार लोगों को मिलने से मना कर दिया, कई सारी चीजें की हुई बंद कर दी उन्होंने। उस समय आपको याद होगा 1942 में कांग्रेस पार्टी के तीन युवा कार्यकर्ता थे, उषा मेहता कृपलानी, सुचेता कृपलानी और आचार्य कृपलानी, उन्होंने मिलके कांग्रेस रेडियो शुरू कर दिया, जिसके ऊपर हाल ही में पिक्चर बनी है ए वतन कुछ उसका नाम आया, जिसमें वो सारा अली खान है। वो देश देश भर भर जाके वो बात कर रहे थे कि वो हमें चंदा दो, दिस इज द कांग्रेस रेडियो 42.3 एफएम पे कॉलिंग्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, ये उनका नारा था। उसी तरह हरकिशन सुरजीत का एक पुराना एक कहीं लेख है, मुझे याद नहीं है कौन सा है, उन्होंने बयां किया था कि जब यही सिचुएशन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग तो 1942 में अलग थे, लेकिन जो कांग्रेस के लोग थे वो गांव-गांव जाते थे एक कटोरा लेके कि आप हमें एक आना दीजिए, चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए आप हमें कुछ दीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए आज के समय एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को भाजपा फोर्स कर रही है कि लोगों के साथ बार बार रिकनेक्ट करो, भारत जोड़ो यात्रा हो गई दो, अब इससे अच्छा आपको अवसर मिल नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने आपके जो पुराने जो क्रचेस थे, जो स्टेट के ऊपर आप रिलाय करते थे, पुराने जो आपके नेता थे जो सिर्फ आर्मचेयर पे बैठ के पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने वो सारे क्रचेस निकाल दिए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जितना मतलब मजबूत और सक्षम करना था वो कर दिया भाजपा ने, क्योंकि अब फाइनली कांग्रेस पार्टी को जमीन पे जाके लड़ना है। आप समझो यार, पॉलिटिकल पार्टी आप समझो, अगर अभी के समय अगर कांग्रेस पार्टी लोगों के पास जाती है कि देखो हम लोगों को 14 लाख के सो कॉल्ड वायलेशन के लिए हमको 1800 करोड़ भरने पड़ रहे, ये सही है या गलत है, आप हमें 1 रुपए दीजिए और वोट दे जाओ, या 10 रुपए दे दो वोट दे दो, अगर ये आपने शुरू कर दिया आप समझो एक क्रांति आ जाएगी देश में, बिकॉज फाइनली आप अपने आप को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, और जो हो आप इस समय जो पब्लिक सिंपति आप गार्नर कर सकते हो इससे, वो और किसी मूवमेंट से नहीं कर सकते हो। तो इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का थैंक यू करना चाहिए और ये इस मास मूवमेंट को उन्होंने किक स्टार्ट करना चाहिए इमीडिएटली, बट ये सिर्फ नौजवान लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल में गिरीश जी अब आपसे करती हूँ कि क्या आज मोदी जी ने कांग्रेस के जीत की स्क्रिप्ट लिख डाली है एक तरीके से, या विपक्ष के जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है? 1100 करोड़ का अगर नोटिस लेफ्ट को दिया जा रहा है, सीपीआईएम को दिया, सीपीआई को दिया जा रहा है, 1100 करोड़ खुद ही और वो रियलाइज भी नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, उनको तो लग रहा होगा कि बस और जितना आगे बढ़ सको बढ़ो, लेकिन एक तरीके से वो कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखते चले जा रहे हैं। नीलू जी, ये गुजरात कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी घर में कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार सब पूरे 2 घंटे में आ जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है वो नोटिस देने से पूरी पार्टी जाके उधर पार्टी ऑफिस में बैठ जाएगी, कोई प्रोपोगंडा नहीं करेगा। तो ये इनकी मेंटालिटी है, ये ऐसे ही समझ रहे सब धंधे पे। अभी पूरी कांग्रेस वो उसी में चिंता में पड़ी होगी, 300 करोड़ कहाँ से निकालेंगे, अपील कैसे करेंगे। ये देव गवर्नमेंट, आप एक अभी का परसों का केस देख लीजिए कि केरला की एक जो कैंडिडेट है भाजपा की, उसको पीएम खुद कॉल करके बोल रहे हैं, वो बोल रही कोऑपरेटिव बैंक में बड़ी गड़बड़ चल रही है, बोले आप इसको अभियान चलाइए, डोंट स्पेयर, वी आर विथ यू। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तो ये आई थिंक आइदर देव गॉन आउट ऑफ देयर माइंड, उनको क्या करना, या तो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा डर क्या लग रहा है कि शायद ऑफिसरों ने कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले ली कि अब कर लो, कि अब तो जब गेम, क्योंकि सबसे अच्छे अगर वेदर फोरकास्ट किसी को होता है ना तो ब्यूरोक्रेट्स के पास होता है, तो उनको लगा होगा कि अब तो साहब ने बोल दिया कर दो तो कर ही दो, अब देखा जाएगा। अब वो बंद करने के लिए तो साहब वर्बली ऑर्डर दे नहीं पाएंगे, तो सिचुएशन ही। और जैसे पुष्पराज ने बोला सही है, आप बाल गंगाधर तिलक को देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया था तो उन्होंने गणपति विसर्जन का एक एपिसोड शुरू किया था, वो 7 दिन तक गणपति आते थे, वो महाराष्ट्र में सब अपने अपने मैसेजेस कन्वे कर देते थे और भजन गाते गाते बना देते थे। तो कांग्रेस को भी ये प्रभात फेरी जैसे सुबह निकलती है 4:30 बजे, वो गांधी जी के भजन वजन गा के निकले और पैसा इकट्ठा करें, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोगंडा भी होगा।
तो हम तो रास्ता बता सकते हैं, बाकी तो पीपल विल डिसाइड एंड कोर्ट्स विल डिसाइड। एग्जैक्टली। लेकिन कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने और मोदी जी की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अति कर दी है। और अगर आप ग्राउंड पर जाइए और लोगों से बात करिए, ग्राउंड सेंटिमेंट यही है कि अब तो बहुत हो गया। तो अगर इस तरीके की भावना आप लोगों में आ गई है और लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके का अत्याचार आप करते ही चले जा रहे हैं, कोई रोक टोक है ही नहीं, कहीं पर आपने लक्ष्मण रेखा बनाई नहीं है, तो फिर जनता में भी कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि भाई अब लगता है इस सत्ता को बेदखल करने का समय आ गया है। लेकिन अब जनता क्या करेगी इसको लेकर तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनके साथ किस तरीके का अत्याचार करने में मोदी सरकार लगी हुई है, ये सारा उसका एक सबूत है कि आज 1800 करोड़ का नोटिस कांग्रेस को गया, 11 करोड़ का नोटिस सीपीआई को दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल किया था। तो अगर इस तरीके का लॉजिक अप्लाई करके और एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही है तो मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। और इन जांच एजेंसीज की जांच कैसे होगी उस पर भी अब हमें सोचना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, गिरीश जी, पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।